नहीं, मैं भागलपुर का खुद का एक वोटर हूँ, तो मैं खुद अपने आप पर विश्वास करता हूँ। जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ, 2 नवंबर को इसका टेंडर हो गया, 3600 करोड़ की ये योजना है। 40-50 साल से कोर था भोलानाथ पुल का, तो भोलानाथ पुल की भी समस्या का जो है समाधान हो गया। लोजपा जहाँ कहीं भी खड़ी है, लोजपा एनडीए को हराने के लिए खड़ी है, मोदी जी के खिलाफ लोजपा खड़ी है, और मैं यहाँ जो है मोदी जी के नाम पर उत्साह देख रहा हूँ, आंधी देख रहा हूँ और कार्यकर्ताओं में जोश देख रहा हूँ। क्या है कि जब आप चलाइएगा तो मेरे लिए अच्छा ये होगा कि लोग फिर कहेंगे कि जो कहता है वही होता है। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सत्यम। विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था और कल से प्रचार पर विराम लग गई। आज हमारे साथ कुछ सवालों के जवाब देने भाजपा के कद्दावर नेता सह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं, और कुछ सवाल हैं हमारे पास जिनके जवाब ये हमें देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में फिलहाल। निशिकांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपने अपना वक्त दिया। मेरा सवाल यह है कि भागलपुर की जनता आप पर भरोसा करती है, आप पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा यकीन करती है। जिस हिसाब का विकास आपके लोकसभा में देखा जा रहा है, वैसा विकास भागलपुर में होगा, इसकी उम्मीद करना कितना जायज है? नहीं, मैं भागलपुर का खुद का एक वोटर हूँ, तो मैं खुद अपने आप पर विश्वास करता हूँ कि जब जिसको हम वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ वोटर हूँ तो मैं भी तो किसी को वोट दे रहा हूँ ना, तो मुझे विश्वास है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारा विकास करेगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि 2014 के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हार गए, तो 2019 में हम सभी वोटरों ने मिलकर जो है अपने सांसद को बनाया, जो कि मोदी जी को समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और उसका फ़ायदा जो है पिछले 12-14 महीने का जो कार्यकाल रहा है नए सांसद का और प्रधानमंत्री जी का जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें विकास की कई एक योजनाएं, और ख़ासकर भागलपुर जिससे जूझ रहा था पिछले 30 साल 35 साल 40 साल से, जो भागलपुर के लोगों की समस्याएं थी, वो या तो सॉल्व हो गए हैं, सॉल्व हो रहे हैं, या सॉल्व होने के पाइपलाइन में हैं। तो एक बहुत ही गौरव और गर्व है जो आपने कहा विश्वास करते हैं। विश्वास इसलिए करते हैं कि विक्रमशिला सेतु एक बहुत बड़ा जाम का केंद्र बिंदु हो गया था, और इस पार और उस पार जाना एक बड़ा मुश्किल चीज़ हो गया था। उसी तरह बाईपास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वर्षों से बन रहा था, बन नहीं पा रहा था। तो यदि आपने देखा होगा कि वो बाईपास फाइनली बना, उसमें थोड़ी और त्रुटि है जो कि ठीक हो जाएगी। दूसरा, समानांतर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का पुल, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। 1990 में NH-80 जो है डिक्लेयर हुआ मोकामा टूफर का, लेकिन वो ऐसा कोड है जो कि पूरा का पूरा यदि आप देखेंगे तो भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, इसके लोग हमेशा तबाह रहे, और यही एक लाइफ लाइन है। आज उसका टेंडर हो गया, मतलब आज जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ 2 नवंबर को, इसका टेंडर हो गया, 3600 करोड़ की ये योजना है। 4 लेन बनेगा, कहीं 2 लेन बनेगा, लेकिन वो एक पैरेलल रोड हो गया, और ये जो एग्जिस्टिंग रोड है ये 10 मीटर का एक चौड़ा रोड होगा, तो एक बड़ा काम हो गया। टेंडर अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ था। दूसरा क्या है कि भागलपुर जिला तो एक है, लेकिन बिहपुर और गोपालपुर, नौगछिया, ये कभी भी जो है सुल्तानगंज और पीरपैंती के लोगों को आना है तो उसको भागलपुर आना था। तो इसीलिए बटेश्वर स्थान में किसी ज़माने में आज से 100 साल पहले रेल चला करती थी, वहाँ के लोगों का बहुत डिमांड था। आपको ध्यान हो कि उसका भी सेंक्शन हो गया है, ये चुनाव के बाद जो है उसका टेंडर हम लोग करने वाले हैं, उसकी भी चिट्ठी माननीय पीयूष गोयल जी ने दे दी चुनाव घोषणा के पहले। 40-50 साल से कोड था भोलानाथ पुल का, आज भी अखबारों में यदि आपने देखा होगा, रेलवे का वो चिट्ठी है, मेरी चिट्ठी नहीं है ये, कि तो भोलानाथ पुल की भी समस्या का जो है समाधान हो गया। भागलपुर, यदि बिहार को पहला स्मार्ट सिटी कोई दिया गया तो वो भागलपुर को दिया गया। इसमें थोड़ी समस्या ये थी क्योंकि विधायक अपना नहीं है, सांसद नहीं था, विधायक नहीं था, अब विधायक हो जाएगा तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को जो है फॉलो करेगा, तो वो स्मार्ट सिटी हो जाएगा। सभी के घर में पीने का पानी हो, ये भी आपको पता है कि 550 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में जो है काफ़ी विलम्ब हो रहा है। स्वाभाविक है कि हमारे सांसद विधायक नहीं थे, तो वो है उस पर भी जो है बड़ी तेज़ी आई है। प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा काम किया कि घर घर में, जैसे कि बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसी तरह घर घर पाइपलाइन से गृहिणियों को जो है जो गैस दिए जाएंगे, कुछ शहर उसमें भागलपुर भी एक शहर है, तो उसके काम में भी अब तेज़ी दिखाई दे रही है। तो यदि आप कहेंगे कि यदि मैं अपने जिसको मैं वोट दे रहा हूँ अपनी दल पार्टी पर भरोसा करता हूँ,
तो उन्होंने जो है इस बार यदि हमने बड़े बहुमत से अपने एनडीए के प्रत्याशी को जिताया तो वो काम हुआ है। और कुछ चीज़ें जो राज्य सरकार के तरफ से हैं, जब हम लोग सभी मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी को भागलपुर से जिता देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और चूंकि ये होता है इसीलिए मेरे ऊपर विश्वास। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, अभी जिस वक्त टिकट देने की बात चल रही थी उस वक्त बहुत सारी अटकलें थी और अंतिम में भाजपा के एक कार्यकर्ता को टिकट मिला, रोहित पांडे जी किसी कोई बड़े भाजपा नेता नहीं है, एक सिंपल कार्यकर्ता को टिकट मिलना और एक किसी कद्दावर नेता को टिकट मिलना, इस दोनों में क्या फ़र्क है और क्या हानि या लाभ हो सकती है पार्टी को? कद्दावर नेता तो कार्यकर्ता ही है ना पहले जी, पहले तो वो कार्यकर्ता ही होता है, पार्टी उसको टिकट देती है, फिर वो कद्दावर नेता होता है। कद्दावर नेता जनता बनाती है, पार्टी बनाती है। पहले तो पार्टी आपको टिकट देती है, पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मिलकर जो है आपको चुनाव लड़ाते हैं, आपको एमपी एमएलए बनाते हैं, और फिर जनता आपको वोट देती है, और जनता फिर दूसरे बार आपको काम पर वोट देती है, तीसरे बार काम पर वोट देती है, और पार्टी की जब दल पार्टी की सरकार होती है तो आपको मंत्री बनाती है, संतरी बनाती है, अध्यक्ष बनाती है, महामंत्री बनाती है। तो आपको कद्दावर तो पार्टी बनाती है ना और जनता बनाती है, जिसको गलतफहमी हो गलतफहमी हो, सब पहले कार्यकर्ता ही होता है और उसके बाद वो कद्दावर होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, हो सकता है कि कल रोहित ही कद्दावर नेता के तौर पर आपको दिखाई देने लगे, किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है कौन सा जानता है। इसलिए पार्टी हमेशा ये मैसेज देती है और यही भारतीय जनता पार्टी है जो कि हमेशा मैसेज देती है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो कार्यकर्ता काम करेगा और जो भी सक्षम कार्यकर्ता होगा वो जो है आगे बढ़ेगा। बात चल रही थी चारों तरफ कि राजेश वर्मा जो लोजपा के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए चुनाव में आए हैं या फिर किसी दूसरे दल का राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर ऐसी बात है कि वो वोट काटने के लिए राजनीति में आए हैं तो फिर चारों तरफ उनकी चर्चा क्यों? मुझे तो कहीं चर्चा नहीं दिखाई दे रही है, 8 दिन से मैं लगातार घूम रहा हूँ और जहाँ तक यहाँ के आप प्रत्याशी की बात करते हैं, मैं व्यक्तिगत प्रत्याशी की बात नहीं करता हूँ, लोजपा जहाँ कहीं भी खड़ी है, लोजपा एनडीए को हराने के लिए खड़ी है, मोदी जी के खिलाफ लोजपा खड़ी है, लोजपा यहाँ एक्सपोज हो चुकी है। लोजपा ने पहले कहा कि हम जदयू के खिलाफ हैं, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी के कैंडिडेट के खिलाफ ही वोट कर रहा है। और इतना भी चिराग पासवान में जो है मॉरल नहीं था कि जिस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, यदि वो कहते हैं कि मैं हनुमान नहीं हूँ और शीशा बल्ब अपना छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता, मेरे सीने में मोदी जी हैं, तो यहाँ तो मोदी जी ने रोहित पांडे जी के लिए किया, यहाँ तो सीधा सीधा उस आदमी ने विरोध किया। इससे बड़ा तो भागलपुर एक ऐसा जगह है कि यहाँ तो पूरी लोजपा एक्सपोज हो गई है कि वो किस तरह से वोट कठुआ है और किस तरह से वो मोदी जी का विरोध कर रही है, एनडीए का विरोध कर रही है, और जनता सब समझती है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप रिजल्ट आ जाने दीजिए, आपको लगेगा कि मैंने जो कहा वही सही है। तो इस बार सारे सीटों पर खुद चुनाव लड़ना, ये चिराग पासवान की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है या फिर बेवकूफ़ी को? देखिए, उनकी दल पार्टी अलग है, उन्होंने क्या निर्णय लिया नहीं निर्णय लिया हम उनके लिए शुभकामना ही देंगे, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें जनता को बताई वो गलत बताई, भ्रमित करने वाली बताई। इस बिहार चुनाव में उनकी भूमिका एनडीए को हराने की है और इस बिहार चुनाव में वो नीतीश कुमार जी को सीधा गाली दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे परास्त हो और मोदी जी को कैसे परेशान किया जाए वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और भागलपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, ऐसा आरोप लगता आया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग खेमा है, ये खेमा चुनाव के वक्त एक साथ आकर प्रत्याशी के लिए काम करते हैं या फिर ये जो अलग अलग खेमा है इसका ड्रॉबैक प्रत्याशियों को भी झेलना पड़ता है? यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आज मेरी जानकारी अभी मुझे मिली है कि माननीय अश्विनी चौबे साहब भी जो है इस शहर में हैं, तो जब वो सब काम छोड़ के इस शहर में पहुंच गए हैं तो वो भी तो अपना वोट डालने के लिए हैं, वो भी अपने लोगों को, क्योंकि यहाँ के वो विधायक रहे हैं, यहाँ से वो मंत्री रहे हैं, भागलपुर के लोगों ने उनको काफ़ी मान सम्मान दिया है और इसी भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है, तो स्वाभाविक है कि वो यहाँ हैं। मैं भी यहाँ, आप देखिए पिछले 8 दिन से बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ खेमा कौन सा है? शाहनवाज हुसैन साहब जो है रोज़ अपना फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कोरोना हो गया है और क्वारंटीन में है वो, लेकिन जिन लोगों को फ़ोन करना है, जो मैसेज देना है, जो कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सा आपको गुट पार्टी दल नज़र आ रहा है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और इसमें सभी कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई कद्दावर नहीं है, जिसको
भ्रम होगा कद्दावर होने का, वो सब धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के तौर पर जो काम करेगा वही भारतीय जनता पार्टी का असली कार्यकर्ता हो। और इस बार का प्रचार प्रसार कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी की, और या फिर नाथनगर में कहें तो लक्ष्मीनाथ मंडल जी की, लक्ष्मी मंडल जी की जीत पक्की है या फिर कहीं कोई अटकलें आ सकती हैं? इतने भारी बहुमत से जीत होने वाली है कि सभी को लगेगा कि हमको कोई अनुमान ही नहीं लगा। सभी जीत बड़े मार्जिन से हो रही है और मैं यहाँ जो है मोदी जी के नाम पर उत्साह देख रहा हूँ, आंधी देख रहा हूँ और कार्यकर्ताओं में जोश देख रहा हूँ। और आम गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जहाँ तक कि आदमी जा नहीं पाता था, जिनको लगता था कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा, उन सबों को लगता है कि मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है और उनके नाम पर जो है भरपूर वोट है और एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि अजय मंडल जी लगभग 1 लाख वोट से जीतेंगे और इस बार फिर आप बता रहे हैं कि रोहित पांडे जी लगभग 50,000 वोट से जीतेंगे, तो ये गणित कैसे, इतना सटीक अनुमान लगाना, ये कौन सा राजनीतिक गणित है? ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं घर घर तक हूँ। मैंने 1 लाख नहीं कहा था, मैंने 2 लाख कहा था। आप कैसेट को फिर से चला लीजिएगा यूट्यूब में। मैंने कहा था कि जितना मैं भागलपुर को समझता हूँ, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अजय मंडल जी कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे, तो 2,60,000-70,000 वोट से जीते। मैंने कहा है कि मिनिमम 50,000 वोट से रोहित पांडे जी जीतेंगे। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप मुझे कहिएगा। और इसके लिए क्या है कि जब आप चलाइएगा तो मेरे लिए अच्छा ये होगा कि लोग फिर कहेंगे कि जो कहता है वही होता है, तो फिर हो सकता है कि अगले बार कोई कैंडिडेट ही नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारे साथ थे गोड्डा के सांसद सह भाजपा के नेता निशिकांत दुबे जी। हमारे पास कुछ सवाल थे जिनका इन्होंने जवाब दिया। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।